बंगाल में 30% मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर 94% ऐसे हैं जो कि बांग्ला में बात करते हैं और इसीलिए इस बार बंगाल चुनाव में किंग मेकर बन सकते हैं। अब्बास सिद्दीकी हमारे साथ है। अब्बास, गठबंधन तो फिलहाल आपने मन बना लिया है कांग्रेस और सीपीएम के साथ, महागठबंधन क्या कहेंगे, कितने सीटों पर आप चुनाव इस बार लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों तो सीट दिए थे, लिस्ट दिए थे 70, उनमें से बामफ्रंट अपनी तरफ से जो बामफ्रंट के पास लिस्ट गए थे, जहाँ जहाँ बामफ्रंट कैंडिडेट देते थे, उनमें से 30 सीट हम लोगों को छोड़ा है और 4-5 सीट बात चल रहा है, बोले वो भी छोड़ देंगे। ये दरअसल बामफ्रंट के साथ हमारा बातचीत कम्प्लीट हो गए। इस बार ये माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि अब्बास सिद्दीकी एक बड़े एक स्टेट में किसी के लिए सत्ता बना सकती है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, और किसी के लिए सत्ता बिगाड़ सकती है। तो कितना अहम इस बार रोल है इंडियन सेक्युलर फ्रंट का? हालांकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, दलित गरीब जो वोट हैं वो भी आप टारगेट करने वाले हैं, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट्स जो है इस बार किसी के लिए आप बना सकते, किसी का मामला बिगाड़ सकते। हम किसी के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, किसी को बिगाड़ने भी नहीं चाहते हैं। जो अपना अधिकार है वो अधिकार को लेना चाहते हैं, हमारे अधिकार के साथ जो जुड़ेंगे उसी को हम साथ में लेके चलेंगे। बामपोट ने इरादा किए हैं, उनका अपना जगह पोजीशन साफ किए हैं, ठीक है, हम ISF के साथ, इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ, हम उसको जो डिमांड है सीट ने मांगा उससे हम ये जगह छोड़ दिए हैं, उसने साथ इरादा किए हैं तो उसको साथ में हम ले चलेंगे। मगर अपना जो पोजीशन है हम अपने पोजीशन में सोचेंगे, हम किसी के लिए काम करने नहीं आए हैं, अपने अधिकार के लिए काम करने आए। मगर मेरा एहसान है, मेरा इंसानियत है, जो मेरा साथ दे उसके साथ में हम लेके चले। अगर एक सीट पर सबसे ज़्यादा इस बार फोकस है बंगाल चुनाव में वो है नंदीग्राम, क्या नंदीग्राम में भी चुनाव लड़ने जा रही है इंडियन सेक्युलर फ्रंट? हाँ, उस सीट ने हम लोगों ने तैयार किए हैं, वहाँ हम भी लोगों ने कैंडिडेट देने के लिए भी बात की है माम के साथ, उन लोगों ने इरादा किए हैं हम छोड़ देंगे। नंदीग्राम में 35% मुस्लिम पॉपुलेशन है, ममता बनर्जी खुद इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, तो इंडियन सेक्युलर फ्रंट ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार देने वाली है, ये बात तय है? देखिए, सबसे बड़ा बात है 35% मुस्लिम है या कितना परसेंट हिंदू है, वो बात नहीं है। हम चुनाव लड़ने उतरे हैं, जहाँ का जो वोटर है सबको हम चाहे हमारे पास आए, ये समझाना हमारा काम है। जिसको हमारे बात को पसंद होगा, उनको विश्वास करेगा तो हमारे साथ आएंगे। सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इससे हम राजनीति नहीं करने आए हैं, बस हम इंसान की खिदमत करने आए हैं। आखिरी सवाल, मान लीजिए आप 50 सीटों पर चुनाव इस बार अगर लड़ने जा रहे हैं तो कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है इंडियन सेक्युलर फ्रंट को? अगर 100 से वोट हो, जैसे इंसान अपने वोटर अधिकार को खोल के आप दे सकते हैं, किसी रुकावट ना हो, तो मेरा मानना है 50 जगह हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि इस बार चुनाव में खास कुछ प्रदर्शन करने वाले हैं वो और इंडियन सेक्युलर फ्रंट। सबसे बड़ी खबर ये है कि नंदीग्राम से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ कुंतल चक्रवर्ती, ABP न्यूज, फुरफुरा शरीफ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।